नमस्कार दोस्तों, पीक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तिनसुकिया के जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत गुरव के दिशा निर्देश में तिनसुकिया क्राइम ब्रांच के एएसपी मोहिदुल इस्लाम एवं तिनसुकिया सदर थाना के प्रभारी पराग ज्योति बुढ़ा गोहाई द्वारा ड्रग्स पर लगाम लगाने की लगातार चेष्टा की जा रही है, लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक कई ड्रग्स पेडलर एवं तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले कई महीनों में 1,20,00,000 रुपए के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज सुबह सवेरे एक गुप्त सूचना के आधार पर तिनसुकिया के दोहतिया चुक में एक किराए के मकान में रहने वाले कमरे पर छापा मारकर भारी मात्रा में संदिग्ध हेरोइन बरामद किया गया है। 125 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 25,00,000 रुपए होगा। आइए देखते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। तिनसुकिया जिला के पुलिस अधीक्षक अभिजीत गुरव के दिशा निर्देश में क्राइम ब्रांच के एएसपी मोदिल इस्लाम तथा तिनसुकिया सदर थाना के प्रभारी पराग ज्योति बुढ़ा गोहाई के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से तिनसुकिया जिले में ड्रग्स पेडलर एवं तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह सवेरे तिनसुकिया के दोहतिया चुक के एक किराए के मकान में अभियान चलाकर भारी मात्रा में संदिग्ध हेरोइन बरामद करने के साथ दो महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दीमापुर से ड्रग्स की खेप तिनसुकिया आने वाली है। तिनसुकिया सदर थाना के प्रभारी पराग ज्योति बुढ़ा गोहाई सदर थाना के TSI रियाज अली द्वारा सुबह से ही जाल फैलाया जा चुका था। दीमापुर से ट्रेन से आकर जैसे ही दो महिलाएं एवं एक युवक ड्रग्स के साथ दोहतिया चुक स्थित किराए के कमरे में पहुंचे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। उनके पास से 125.57 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद किया गया, जो 10 साबुन के डब्बे में रखे हुए थे। जब्त संदिग्ध हेरोइन का बाजार मूल्य करीब 25,00,000 रुपए होगा। जिस मकान में ड्रग्स तस्कर किरायेदार के रूप में रह रहे थे, वह मकान प्रदीप दत्त नामक व्यक्ति का है। पकड़े गए लोगों की शिनाख्त गंगा सिंपू, रजनी लाइटंग पाम एवं बिकी सिन्हा के रूप में हुई है। दोनों महिलाएं राजधानी एक्सप्रेस से आज सुबह दीमापुर से ड्रग्स लेकर तिनसुकिया पहुंची थी। इनसे ड्रग्स डिलीवरी लेने वाला व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। इस मामले में एएसपी क्राइम ब्रांच मोहिदुल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार व्यक्ति भी जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। আজি দহতিয়া চুকৰ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমি প্ৰদীপ দত্ত বুলি এজন ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ ভাড়াঘৰত আমি আজি এটা অভিযান চলাওঁ। আমাৰ হাতত তথ্য আছিলে যে ডিমাপুৰৰ পৰা বাই ট্ৰেইন মানুহে হিৰোইন লৈ আহি আছে। তো সেই তথ্য আমি ফ'ল' কৰি আছিলোঁ। ফ'ল' কৰি আমি গম পালোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে কেৰি কৰিছিল তেখেতসকলে এই যিটো ভাড়াঘৰ আছে, ভাড়াঘৰ তেওঁলোকে সোমাইছে। সেইমতে আমাৰ তিনিচুকীয়া সদৰ অচিৰ লগত এটা অভিযান চলাওঁ। অভিযান চলাই পেলাই আমি ঘৰ ৰেইড কৰোঁ। ৰেইডত আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ আমি হিৰোইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি ট'টেল 10টা আমি শ্ব'কেচ হিৰোইন পাইছোঁ। তাৰ ট'টেল ৱেইটটো হৈছে 125.57 গ্ৰামছ। এইখিনি হিৰোইন আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি দুগৰাকী লেডিজ আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু এজন ব্যক্তি বিকি সিং, এই তিনিজনক আমি ইতিমধ্যে এই ঘৰটোৰ পৰা এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এই লগত জড়িত আৰু এই দুগৰাকী লেডিজে আছে, তেওঁলোকে ৰাজধানীত এক্সপ্ৰেছত আজি ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে আহি পাইছিলে তিনিচুকীয়া ডিমাপুৰৰ পৰা। তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো কেৰি কৰিছিলে। আৰু এজন ব্যক্তি আছিলে লগত, সেই ব্যক্তিজন ইতিমধ্যে পলাতক হৈছে। কিন্তু তেওঁৰ সন্ধানত আমি অভিযান ইতিমধ্যে চলাই আছোঁ আৰু তেওঁকো আমি শীঘ্ৰে কৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 25,00,000 টকা হ'ব এইটো আজি যিখিনি জব্দ হৈছে। হয়, আমি যোৱা ধৰক এমাহত আমি প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ওপৰ আমি মাৰ্কেট ভেলুৰ আমি ড্ৰাগছ আমি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যোৱা এমাহৰ ভিতৰত। হয়,